मान सिंह तोमर का महल देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं करण महल और विक्रम महल। गाइस यहाँ से दिखता है पूरा ग्वालियर, और ये देखो नज़ारा। और मैं अभी आया हूँ करण महल देखने और विक्रम महल देखने। और जो करण महल है वो मान सिंह के महल से भी पुराना महल है, 100 साल पुराना महल। हम उस तरफ से आए हैं और अब हम इस तरफ जा रहे हैं। ये पीछे महल, और वैसे रखे हुए तो यहाँ तोपे भी हैं। ये सामने महल है। ये वैसे बना तो जेल के टाइप में रखा है, जैसे पहले जेल होती थी। मेरे ख्याल से ये जेल है। मतलब ये शहर से 350 फीट की ऊंचाई पे बना। ये इस पे लिख रखा है करण महल के बारे में, और ये करण महल है। मान राजा मान की जानकारी थी। और ये विक्रम महल है। विक्रम महल ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये जो शिवलिंग पड़ा है, ये जो शिवलिंग है ये 500 साल पुराना शिवलिंग है, क्योंकि इसको हवन कुंड में यहाँ दबा दिया गया था मुगलों के द्वारा। तो जो इसकी जो आँखें वगैरह है वो शायद मेरे ख्याल से नई लगवाई है, पर लेकिन बाकी ये 500 साल पुराना शिवलिंग है। ये विक्रम महल है। ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा महल नहीं है। बाकी गाइस ये है विक्रम महल का अंदर का स्ट्रक्चर। और उस टाइम पे ये जहांगीर मुग़ल सल्तनत जब आई यहाँ पे, मुग़ल सल्तनत का जब राज हुआ, तब यहाँ पे जो ये जो बाहर के जो कमरे दिख रहे हैं उन पे मुग़ल सैनिक रहते थे, ठीक है। और नहाने वगैरह का वो यहीं पे रहते थे, यहीं पे नहाते थे। तो वो सब उस मतलब कि सैनिकों का रहने का ठिकाना ये था उस टाइम पे मुग़ल सल्तनत में। और उससे पहले ये जलघर होता था, मतलब कि बरसात का जो पानी था वो सालों साल तक यहाँ पे रखा जाता था रिजर्व करके। जब विक्रम राजा थे मान सिंह के बेटे, उस टाइम ये यहाँ पे मतलब कि जलघर था, और यहाँ पे जल रखा जाता था सालों साल तक। और ये जो है जलघर के अंदर है, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह बदलने के लिए ये बनाई गई है एक छोटी सी। ये देख सकते हो आप, बहुत उस टाइम के बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर मतलब कि तैयार किया गया था। उस टाइम के मुकाबले आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, आज का टाइम कुछ भी नहीं है। और इतने बड़े पत्थरों को इकट्ठा करके, और इतने जो मजबूती से जो ये बनाया है टंकी, जो आप समझ सकते हो देसी भाषा में इसको टंकी बोल देते हैं, आज के टाइम में नहीं बना सकते इतना मजबूत। उस टाइम से लेकर आज तक ये चल ही रहा है। सैनिकों का स्नान घर जब मुग़ल साम्राज्य हुआ बाद में। ये देखो ये बनाया है शाहजा महल और जहांगीर महल, क्योंकि जहांगीर ने राज किया था 1505 से लेके 1527 तक, और 1527 से लेके के बाद में शाहजहाँ ने राज किया था। तो ये आगरा के टाइप में ये इसका निर्माण है। ये देखो ये जहांगीर महल है। ये अब हम आ गए हैं जहांगीर महल में। अब हम खड़े हैं जहांगीर महल में। इस तरह दिखता है। और इस तरफ से दिखता है शहर का नज़ारा।
यहाँ से पूरा ग्वालियर नज़र आता है। ये इस तरह का दिखता है कुछ पीछे आने के बाद में, और ये इस तरह का है, मतलब ये आंगन टाइप में एक तरह का, ये आंगन है और वो भी बीच में आंगन है, ये सारा एक आंगन है। तरफ ये सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए, ये इस तरह का डिज़ाइन है। और ये होल पता नहीं किस लिए है। गाइज, आप लोगों को जो मेरे पीछे दिख रही है ना, वो अंग्रेजों के टाइम की फैक्ट्री है। वहाँ पे क्या होता था कि गोले, बारूद, गन वगैरह वहाँ पे पीछे बनाते थे वो सब। यहाँ पे पीछे गन वगैरह, बंदूकें, गोला बारूद, तो ये अंग्रेजों के टाइम का एक फैक्ट्री है। गाइज, ये सबसे बड़ा जौहर कुंड है, जो लगभग 70 रानियों ने अपने आप को यहाँ पे जौहर किया था, मतलब कि सती किया था, जब उनके राजाएं, मतलब कि उनके राजा जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, जो शहीद हुए थे। और ये महल का पीछे का हिस्सा है, ये जो महल है ये पीछे का हिस्सा है, ये उसके महल की दीवारें हैं ऊंची ऊंची। गाइज, ये है भीम सिंह राणा की छतरी। यहाँ पे जो जिस टाइम पे मराठों का आक्रमण हुआ था, तो उस टाइम वो शहीद हो गए थे, तो उसके बाद में यहाँ पे इनकी समाधि, मतलब कि यहाँ पे चिता जलाई गई थी, और चिता, जहाँ चिता जलाई वहीं पे इनकी छतरी बना दी गई। गाइस, ये कर्ण महल है, बाकी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताई। ये पीछे इस तरह कुछ है, देख सकते हो भाई। वीडियो बढ़िया लगे ना तो थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करो। ये देखो, आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो रखे हैं ना, पूरे पत्थर के पत्थर है पूरा सीधी, और ये पता नहीं क्या है अंदर, लेकिन भाई बहुत बदबू आ रही है अंदर इसमें। ये एक जेल टाइप का कुछ है। अभी हम जा रहे हैं आगे की, और ये पीछे अभी वीडियो वगैरह के सीन शूट हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो पीछे। तो अभी ये महल हम घूम चुके हैं सारा, दिखने में बढ़िया है, मस्त है। आज हमने देख लिया है, ये पीछे विक्रम महल है, और ये इस तरफ में कर्ण महल है, और अब हम जा रहे हैं बाहर, और अब हमने देखना है, और जो 52 राजाओं कैद किया गया था वहाँ पे, वो जगह देखनी है अब। ये देखो गाइस, ये है मानसिंह महल का बैक हिस्सा, मतलब एक वो गेट है यहाँ पे, दरवाज़ा। ग्वालियर, ग्वालियर को तीनों चारों हिस्सों से आराम से देख सकते हो, पूरा क्लियर दिखता है। जगह जहाँ पर मुगलों ने 52 राजा को यहाँ, मतलब 52 राजाओं को यहाँ पे कैद किया था। यहाँ पे उन राजाओं को कैद में करते थे, मतलब जो टैक्स नहीं देते थे, या राज्य के खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, ठीक है, विद्रोह करते थे, उन लोगों को यहाँ पे इस जगह पे कैद किया था। और ये है बनावट इस महल की, इस जगह की, और यहाँ पे लगभग सब जगह पिलर हैं, और इन सब पिलरों पे कैदियों को बांधा जाता था। देखो गाइस, ये जो चीज़ आप लोगों को दिख रही है ना, ये जो दिख रही है आपको, ये जो आपको दिख रहे हैं गड्ढे, इसमें क्या होता था कि बेड़ियाँ बांध देते थे, और जिसकी वजह से चैन, जो लोहे की चैन होती थी, वो घूम नहीं सकती थी इनकी वजह से। ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया गया, और यहाँ पे हर तरफ, मतलब कि कैदियों को बांधा जाता था, उन राजाओं को, उन विद्रोहियों को जो राज्य के खिलाफ खड़े होते थे या किसी तरह का विद्रोह करते थे, पीछे इस तरह करके बांध देते थे वो, ठीक है। तो आप इसका राउंड नहीं लगा सकते थे जब बेड़ियाँ डली होती थी, क्योंकि वो चैन इनके अंदर फंस जाती थी, तो इस तरह आप इस तरह करके राउंड नहीं लगा सकते थे उस टाइम पर। तो इतना सोच समझ के, इतना टेक्निकल काम यहाँ पे किया गया है। और ये देखो,
मोटे पिलर है और मतलब कि अलग अलग पीस में है ये, एक पीस में नहीं, अलग अलग पीस में है।